वालेकुम माजिन कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ की एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ जी जो पिछली वीडियो में हमने आपको एक अपना एस्टीमेट दिया था कि जी सीमेंट की प्राइसेस इस तक जाएंगी वो एस्टीमेट बिल्कुल गलत हुआ है तारीख का सबसे बड़ा इजाफा जो है वो देखने में है सीमेंट की कीमतों में एक रोज़ कबल हमने वीडियो दी थी आपको कि सीमेंट की जो कीमत थी सात सौ थी और वो आठ सौ तक पहुँच चुकी थी ट्रेलर और कैरिज चार्जेस डालकर आठ सौ और 820 रुपए पे जो है वो सीमेंट पड़ रहा था मेपल लीफ का और डीजी का लेकिन आज की जो सूरत हाल है वो इस कदर भयानक हो चुकी है कि बहुत से तामीराती काम के शोबे से वाबस्ता लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं नौ सौ की सीमेंट की बोरी पहुँच चुकी है डी सीमेंट और मेपल लीफ अब जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स पीछे हुए हुए थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए थे वो लोग भी परेशान हो चुके हैं अगर आज की कीमतों की मैं आपको बात करता चलूँ आज की कीमतों का बताता चलूं, तो जो बेस्ट वे की सीमेंट की है लकी सीमेंट है वो 870, 860 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है जबकि अगर बात की जाए डीजी की और मेपल लीफ की तो उसकी कीमतें एकदम से 810 और 820 से उठ के नौ सौ पर आ चुकी हैं तो नाजरीन ये तमाम तर सूरत हाल है मैंने आपको कल भी सजेशन दी थी अपनी कल की वीडियो में कि अगर आप लोग सीमेंट की बोरियाँ उठा के स्टोर कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे और मैंने आपको कहा था कि आठ सौ साठ जो है वो उठा कर रख लें अगर अभी उठा कर नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है तो वही तमाम तर सूरत हाल देखने में सामने आई कि एकदम से जो है वो कीमत जो है वो आसमान पर जा पहुँची अब इस तमाम तर सूरत हाल में गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा ये क्या तमाम तर सूरत हाल चली कि एक दम से इतनी ज़्यादा सीमेंट की प्राइसेस ऊपर चली गई ये अब कहने में ये आ रहा है जी कि हमारी जी कॉस्ट बढ़ गई है सीमेंट बनाने वाली कंपनियों की जानब से कोयले का रेट बढ़ गया लेकिन आप ये देखें कि गुजशत सिर्फ दस से बारह रोज के दौरान डेढ़ सौ से एक सौ साठ रुपये जो है वो एक बोरी जो है वो महंगी हुई है जो किसी भी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतनी ज़्यादा कॉस्ट किस तरह से बढ़ गई तो इस चीज़ में अब इमरान ख़ान को भी देखना होगा और गवर्नमेंट को देखना होगा कि आया ये चीज़ें किस तरह से चल रही हैं और ये जो तहरीकी अदम अतमाद बीच में चल रही है जो मुल्क में एक सूरत हाल चल रही है उसका फायदा उठा रहा है ये तमाम का तमाम सीमेंट माफिया जो बन गए अब अगर देखा जाए तो ये तमाम तर सूरत हाल खास गंभीर होती हुई नजर आ रही है जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे वो परेशान हैं जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स शहरी ने और कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हुए थे वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी परेशान हैं शहर भी परेशान है कि ये क्या सूरत हाल होगी जो कैलकुलेशन थी किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सीमेंट की जो बोरियाँ साढ़े सात सौ से शुरू हुई थी वो एकदम आठ सौ जाएंगी और आठ सौ से साढ़े